हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाइकर एमजे के दोस्तों चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सुपर स्प्लेंडर BS6 2021 मॉडल, और ये आप ना खरीदें चाहे ये हो चाहे और भी जो मॉडल सुपर स्प्लेंडर के जो है ये कलर हो या कोई भी कलर हो, सुपर स्प्लेंडर आप मत खरीदिएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको कमियां बताएंगे जो हीरो वालों ने की है और आप अपनी आंखों से देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट पर जो आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है वो 1818 का, यानी कि बहुत ही पतला टायर मिलता है, जिससे कि ये बाइक स्लिप बारिश में बहुत ही ज़्यादा करती है। फ्रंट पर आप देखेंगे तो 3500 का हैलोजन बल्ब मिलता है, लेकिन आपको LED या DRL लाइट नहीं मिलेगा। कीमत के हिसाब से इस बाइक में दोस्तों LED लाइट देना था। स्टार सिटी प्लस अगर देखते हैं 110cc में तो आपको LED लाइट मिलती है, जो कि बिल्कुल एक न्यू स्टाइल, एक न्यू जनरेशन की बाइक बनती है। ये बिल्कुल ओल्ड का ओल्ड ही बुढ़ावा मॉडल है, ये जैसे जो ओल्ड लोग हैं वही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही मॉडल एकदम सुपर स्प्लेंडर है। बाकी इसमें कोई न्यू जनरेशन का कोई भी न्यू ऐड नहीं किया गया है, जिससे कि ये बाइक थोड़ा सा एक नया लुक, एक नई न्यू जनरेशन की लेटेस्ट लगे, बिल्कुल पुरानी पुरानी। अगर स्टार सिटी प्लस आप देखेंगे, प्लेटिना भी देख लेंगे, तब भी उसमें आपको DRL लाइट मिल जाएगी। इंजन देखेंगे तो होंडा साइन से भी ख़राब हो गया है इसका इंजन, क्योंकि होंडा साइन में ज़्यादा खरखराहट होती थी, संसार सरसर, लेकिन पहले के सुपर स्प्लेंडर में बेस बहुत ही अच्छा होता था, गमक होता था। लेकिन मैं उसका भी कंपेरिजन करूँगा बाइक को स्टार्ट करके होंडा साइन और सुपर सामने हमने रखे इंजन को। और यहाँ पर देखेंगे तो IBS ब्रेकिंग मिलता है, 125cc है, तब भी इसमें IBS ब्रेक मिल रहा है, लेकिन 110cc के अदर बाइक में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। दोस्तों डिस्क ब्रेक अदर बाइक को मिल जाएगा, चाहे आप रेडियान लेते हैं तो, या फिर अदर प्लेटिना में अगर चले जाएँ तो आप प्लेटिना में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, जबकि 100cc में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, 110 में भी मिल जाएगा। लेकिन इस बाइक में आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक मिलता है, वो भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम अब ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं कह सकता हूँ। और इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम ही IBS मिलता है, जबकि अलग से रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये टूट भी सकता है, चाहे जिस तरीके से आप एक हाथ से भी तोड़ सकते हो इसको, लेकिन प्लेटिना में सस्पेंशन यानी साकर में ही फिट करके दिया है, ताकि सेफ रहे, टूटे ना। मजबूती को भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है दोस्तों, ये रिफ्लेक्टर जो लगा है बिल्कुल अलग सा लगा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, कोई भी वारंट आप लेते हैं और इसकी कीमत बताइए 86-87 हज़ार रुपये है। पीछे जाते हैं आप तब भी वही सेम टू सेम टायर आपको पतला ही मिलता है, जिससे स्लिप बारिश में ज़्यादा करती है। इसमें टायर थोड़ा सा मोटा देना चाहिए था, थोड़ा सा साइज इसका मोटा करना चाहिए। दोस्तों साकर आप देखेंगे तो 5-स्टेप एडजस्टेबल है, वही आपको साकर मिलता है जो कि हीरो की बाइक को मिलता है। और यहाँ पर फुल इसका जो है वाइजर किए हैं, साकर से बाहर खींचे, अगर कोई चीज़ आप अगर वजन चीज ला सकते हो तो ये फाइबर आपका टूट जाएगा दोस्तों, जिसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो दूध वाले डेयरी वाले होते हैं, दूध देने वाले, वो इस बाइक को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो अगर बांधेंगे तो ये फाइबर उनका टूट जाएगा। वो ज़्यादा HF डिलक्स ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम है कि वाइजर अंदर है और वो टूटेगा नहीं लादने पर। साकर इतना मोटा कर दिए हैं, और ये देखिए आप, ये जो एडजस्टेबल है फुटरेस्ट, ये देखिए ये जो फुटरेस्ट है, बाइक गिरेगी तो ऊपर को मुड़ जाएगा सीधा, तो जो फाइबर वाइजर ये साइड में है ये तुरंत ही फूट फाट जाएगा। सामने का भी जो बम्पर है, हेडलाइट वाला वाइजर लगा, ये भी टूट फूट जाएगा, ये सब पूरा, वो मुड़ने वाला नहीं होना चाहिए था, एडजस्टेबल जो है वो मुड़ना नहीं चाहिए था, वो अगर मुड़ेगा नहीं तो उसी पे बाइक रगड़ेगी और वो टंगी रहेगी दोस्तों। लेकिन इससे टंकी, मुँह आगे का मुँह, ये सब पूरा एकदम समझ लीजिए एक वो हो जाएगा, खरोच जाएगा। और इंजन यहाँ पर आप देखेंगे तो 125 है, लेकिन कोई इसमें जो है ज़्यादा अच्छा चेंजेस नहीं आपको मिलेगा। पीछे का टेल लाइट देखेंगे तो BS4 से भी ये हमें, मुझे नहीं पसंद है, और भी लोगों को नहीं पसंद है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर रखा है कि भाई ये बाइक का BS4 से एकदम बेकार है। पीछे का जो नंबर प्लेट है ये एकदम वाइजर में कर दिए हैं, स्प्लेंडर और HF डिलक्स में नहीं है, लेकिन स्प्लेंडर में है और इसमें भी है। अगर ये टूटेगा, जैसे नंबर प्लेट लगा है, अगर टूट गया पीछे का वो, तो आपका पूरा जाके नया लगेगा, नया 500-600 रुपये का खर्चा है दोस्तों। अगर वही पत्ती देते तो 10-20 रुपये का ही खर्चा लगता। लेकिन मैं जब सच्चाई बता, बहुत लोगों ने कहा हीरो वाले ने भगा दिया, वो नहीं दिया, कमीशन ना दिया होगा, ऐसा ऐसा अनपढ़ पड़े हुए हैं कि वो ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, ऐसा लगता है एकदम स्कूल गए नहीं होते, अनपढ़ ही एकदम जाहिल होते हैं। मुझे कोई कंपनी कमीशन नहीं देती है, मैं सिर्फ सच्चाई बताता हूँ, जो अच्छाई सच्चाई होती है वही सब रिव्यू करता हूँ मैं, ठीक, किसी से बिका नहीं हूँ मैं कि मैं किसी की तारीफ ही करूँगा, जो सच है वही बताऊँगा। यहाँ पर आपको, यहाँ पर ट्रिप मीटर भी नहीं दिया है, बताइए 87 हज़ार की गाड़ी है, इसमें आपको ट्रिप मीटर भी नहीं मिलता है कि कहीं 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 आपको जाना हो तो जीरो करके या एवरेज नापना हो तब भी आप एवरेज नाप सके, तो ट्रिप भी नहीं दिया है। टोटल एनालॉग मीटर है, पैशन प्रो भी देखेंगे तो उसमें भी आपको डिजिटल मिलेगा, और पैशन प्रो आप ओल्ड मॉडल देखेंगे BS4 तो उसमें भी आपको ट्रिप मीटर मिलता था।
और डिजिटल मीटर मिलता था, लेकिन इसमें सारा वही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बाइक बिल्कुल नहीं ठीक है, इससे अच्छा होंडा साइन एसपी ठीक है, या साइन एसपी ठीक है, या होंडा साइन भी इससे बेस्ट है दोस्तों। तो ये कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।